हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम आपको बताएंगे कि अगर किसी भी व्यक्ति से विवाद हो जाता है और विवाद की स्थिति में किसी धारदार हथियार से, औजार से कोई व्यक्ति किसी को मार देता है, चोट लग जाती है और गंभीर चोट होती है जिससे कि उस व्यक्ति की हो सकता है मृत्यु भी हो जाए, तो ऐसी स्थिति में आपके खिलाफ जब FIR होगी, तो अगर पुरानी धाराओं में देखा जाए, जो पुराना कानून था IPC की धाराओं में, 100% 308 लग जाएगा। तो अगर 308 में FIR, 308 का मतलब केवल 308 में नहीं होगी, 308 के अलावा भी धाराएं होंगी, 323 होगा, 324 होगा, 504, 506 होगा, वगैरह वगैरह। तो ऐसी स्थिति में जो नया कानून है, नए कानून के अकॉर्डिंग अगर इस तरह से विवाद होने पर किसी को चोटें आती हैं गंभीर हालत में, तो क्या FIR होगी। तो ऐसी स्थिति में भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 110 351 सबसेक्शन 2 352, यानी कि जो नया कानून है, नए कानून के अकॉर्डिंग किसी से लड़ाई झगड़ा मार पीट गाली गलौज जिस तरह का विवाद हुआ और इन केस आपके ऊपर अगर FIR इन धाराओं में हो गई 110 351 सबसेक्शन 2 या फिर 352 या तीनों में हो गई, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, इसके बारे में आज हम आपको विस्तार से बताएंगे। सबसे पहला तो आप ये समझें कि आप चोटहिल की तरफ से हैं, यानी कि जिसको चोटें आई हैं FIR में जो पीड़िता है उसकी तरफ से है, कोई गिरफ्तारी नहीं हो रही, तो आप सीधे वरिष्ठ अधिकारियों के यहाँ पेश हो जाइए, वहाँ पे आपको राहत मिल जाएगी। हो सकता है धाराएं भी बढ़ जाएं, 307 लग जाए, या अचानक मृत्यु हो जाती है दवा के दौरान हॉस्पिटल में, तो 302 भी लग जाएगी पुरानी। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, क्या नहीं करना, इसके बारे में बहुत ही जरूरी पॉइंट्स हैं समझने की। यहां बात करेंगे जिसके ऊपर FIR है वो क्या कर सकता है। ऐसे लोगों को तत्काल हाईकोर्ट जाना चाहिए। इस मुकदमे में आपका फालतू का पुलिस भी पैसा ले लेगी, क्योंकि अगर FIR तीन लोग के खिलाफ है तो पूरे घर को उठा ले आएगी, और ऐसा पुलिस करती भी है, ऐसा नहीं नहीं करती है, पूरे घर को ले आ देगी। एक आदमी को छोड़ने का 10,000-20,000 जो लुटाई होगी उससे मतलब नहीं है। हालांकि देखो, हर एक पुलिसकर्मी हर एक थाने पर ऐसा नहीं होता, लेकिन मैक्सिमम जगह ऐसा होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। या तो फिर भागे भागे फिरोगे, कितना दिन भागे रहोगे। सवाल यहाँ इस बात का है कि क्या गिरफ्तारी हो जाएगी, क्या जेल भेज दिया जाएगा, तो निर्भर करता है किस तरह की चोटें हैं, क्या धाराएं बढ़ोतरी हो रही है घटोतरी हो रही, तमाम चीजें हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि आप ना घर से भागना है आपको, ना जेल जाना है, ना थाने की पंचायत करनी है, तो ऐसी स्थिति में सीधे हाईकोर्ट आना है, आप क्रिमिनल रिट फाइल करके आपको स्टेम मिल जाएगा। अब जब अरेस्ट स्टेम मिल जाएगा तो फिर आपको ना पुलिस से भागने की जरूरत, ना आपको घर छोड़ने की जरूरत, ना रोज थाने पे चक्कर लगाने की जरूरत, ना फिर आपको जेल जाने की जरूरत। तो यानी कि स्टे लेने से इतने फायदे होते हैं। दूसरा ये भी रास्ता आपके पास है कि अगर चार्जशीट चली गई आपके मामले में, मान लिया जाए चार्जशीटेड हो गया मामला, तो चार्जशीट चली गई तो आप सरेंडर करके बेल कराओ। अब सरेंडर करा के बेल कराने पर जरूरी नहीं है कि आपकी बेल हो जाए, आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। जेल कब नहीं जाना पड़ सकता है, हो सकता है कि आपकी बेल हो जाए सेम डे प्रोसेस से, ब्रह्म सिंह का जजमेंट लगाते हुए, रूलिंग लगाते हुए आपका काम करेंगे, लोअर से खारिज कराएंगे, उसी दिन सेशन में पेश कराएंगे, तब हो सकता है कि आपकी बेल मिल जाए, हो जाए। तो इन धाराओं में अगर आपके खिलाफ भी FIR हो गई, कोई चीज पूछना है, जानना है, नहीं समझ आ रहा है क्या करना है, तो फिर स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर फोन करके आप जानकारी ले सकता है। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब चैनल SP72 कानून प्रयागराज को जरूर सब्सक्राइब करें। कोई भी तरह की क्वेरी हो
कोई भी सवाल हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं।